नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। विंटर सीजन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट दवाइयां हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए, आई होप सो कि जरूर कारगर साबित हो रहा होगा। आज भी एक महत्वपूर्ण दवाई के बारे में चर्चा करेंगे। दवा का नाम है जस्टिसिया अदाडोडा। जी हाँ दोस्तों, जस्टिसिया भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसका। इम्पोर्टेंट एक दवाई है, विंटर सीजन से रिलेटेड बहुत सारे दिक्कत जो आप सामना कर रहे हैं। कोरोना के पीरियड में इस दवा ने कई सारे लोगों की जान बचाई है। हमने भर भर के इसको दिया है, लोग भी इसको इस्तेमाल करके अच्छे हो चुके थे, बहुत बढ़िया उनको रिजल्ट मिला था। एक्यूट कंडीशन हो या फिर क्रॉनिक कंडीशन, खास करके एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट मतलब अभी फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट में, बिगिनिंग स्टेजेस में, अगर जो जो प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो सर्दी के कारण, सीजनल इफेक्ट के कारण, तो उसको जो जो दिक्कत होती है, जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स, बुखार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्दी होना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, आंखें लाल पड़ जाना, छींके बार बार आना, उसके साथ खांसी होना, खांसते समय छाती में दर्द होना, मुंह में स्वाद नहीं आना, जो कुछ भी खाओ, नाक से सुगंध नहीं आना, गंध नहीं आता, कुछ भी स्मेल नहीं कर पाता वो, इस तरह के जो सिम्टम्स है आपने लिटरली कोरोना पीरियड में फील किया होगा। लेकिन अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट के पास जाएंगे तो उनके पास वायरस के लिए कोई तोड़ नहीं है, ये आपको भी पता है, डॉक्टर को भी पता है, फिर भी वो लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। मुझे आज तक नहीं पता कि वायरस को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल चीज होती है, वो कैसे काम कर सकता है। अंत में स्टीरॉयड का सहारा लिया जाता है। स्टीरॉयड्स, ये भी मुझे मालूम नहीं पड़ा आज तक कि ये जो स्टीरॉयड है, जो कि शरीर के लिए इतना नुकसानकारक है, अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करेंगे, जो कि वो डॉक्टर खुद बताते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ एक अमोघ अस्त्र के रूप में हर एक प्रॉब्लम में कैसे दिया जा सकता है, जबकि प्रॉपर दवा हमारे सिस्टम के पास है, होम्योपैथी के पास, फिर भी इसको क्यों नकारा जा रहा है, क्यों लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं फैलाया जा रहा है कि हां, होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि आप वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इस तरह के कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आप उसका दवाई दे सकते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। साइड इफेक्ट मतलब आपको पता होगा कि जैसे टैबलेट्स लेने के बाद एलोपैथिक सिस्टम के एक बीमारी कम होके दूसरी बीमारी आ जाती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोरोना के पीरियड में बहुत हुआ, सर्दी से नाक से पानी बह रहा होगा, अगर आपने लेवोसेट्रिजन ले लिया, फैक्सोफिनाडिल ले लिया, बहुत दिनों तक, दो तीन दिन, चार दिन तक ले लिया, तो आपका नाक से जो पानी बह रहा था वो सूख जाएगा, अचानक से सूख कर खांसी या तो जोरों से होगा या फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर बाय चांस वलगम तुरंत सूख जाता है एक्यूट कंडीशन में, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सर्दी किसी को था, अगर उसको दवा लेने के बाद सांस का दिक्कत हुआ तो सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा, दवा बिल्कुल सही नहीं है। ये हमने लॉ ऑफ क्योर में डिस्कस किया था कि बीमारी अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है या अंदर से बाहर की तरफ आती है तो वो बिल्कुल ठीक कर सकता है। यहां पर सर्दी जुकाम में आप अगर दवा देते हैं तो वो एक्सटर्नल जो चीज बाहर आ रहा था वो अंदरूनी तौर से वो बीमारी जाएगा, तो लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रोग्नोसिस इसका ठीक नहीं है। इस चीज को रखें आप नजर, होम्योपैथिक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिजल्ट देखेंगे बहुत बढ़िया आएगा। अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करें, लेकिन इमरजेंसी केसेस में आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बात पर उसका इस्तेमाल करना आपकी जिंदगी के लिए, आपके सेहत के लिए खराब हो सकता है। तो ये दवाई जो जस्टिसिया आज हम बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जस्टिसिया एक मदर टिंचर के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको पोटेंसी के रूप में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक यहां पर ऑब्जर्व किया गया है
डॉक्टर विलियम बोरिक ने कि इसका जो लोअर पोटेंसी है, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं 2x, 3x, 4x, इस तरह के कंडीशन में इसका एग्रेवेशन बहुत ही भयानक होता है। तो इसको या तो मदर टीचर में यूज करें या फिर 6, 12, 30 इस तरह के पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कारगर साबित आएगा। ये मैंने शुरुआत में बता दिया आपको एक इंपॉर्टेंट इसका मैसेज के रूप में। तो इम्पोर्टेंट जो इसके जस्टिसिया जो आज की दवाई है जस्टिसिया अडाथ्रोडा क्यू, इसके जो इम्पोर्टेंट लक्षण है, इसका जो क्लिनिकल पॉइंट्स है पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसके पोटेंसी किस बीमारी में कैसे यूज करना है वो डिटेल में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स है, एक्यूट कैटरल कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां होती है उसमें कारगर बहुत बढ़िया काम करती है, अच्छे तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत क्विकली आता है, बढ़िया आता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है नाक से लेकर हमारे फेफड़ों तक जो भी प्रॉब्लम हो उसका भरपूर इस्तेमाल होता है। आप दूसरे पोटेंसी के साथ इसका मदर टीचर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है, आधे घंटे से एक घंटे का फर्क रखना। कोरेजा फ्लुएंट प्रोफ्यूज कॉन्स्टेंट स्नीजिंग, कोरेजा मतलब जुकाम किसी को अगर हो जाता है तो उसके जो जो सिम्टम्स आते हैं, जो कि मैंने कहा था कि उसको कंटिन्यूसली छींक आएगी, नाक से पानी बहेगा और भरपूर पानी बहेगा, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ड्रिपिंग होता रहेगा, ये उसका स्पेसिफिक लक्षण है, ये अगर आप देखें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि कोरोना के पीरियड में जैसे हमने जिक्र किया, बहुत सारे पेशेंट का ये कहना था कि हमें कुछ सुगंध गंध नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है। तो आमतौर पर जब वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में वायरल इन्फेक्शन के कारण, तो ये सारा दिक्कत आती है, ये जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल करें, रिजल्ट बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। कोरेजा कफ एंड स्नीजिंग, जुकाम भी होगा, खांसी भी होगी, छींक भी आएगी, ये तीनों अगर एट अ टाइम किसी के इंसान में पाया जाता है, जिसे कि विंटर सीजन में बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप जस्टिसिया याद कर सकते हैं और ये दवा दीजिए, फटाफट रिलीफ मिलेगा आपको तीनों प्रॉब्लम से, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा आपको। होर्सनेस एंड पेनफुल लिरिंग्स, होर्सनेस मतलब आवाज ठीक से नहीं आना, बैठ जाना, आप कुछ भी बोले तो आपका जो वॉइस है बहुत ही मोटा वॉइस बोलते हैं उसको, मोटा वॉइस आता है, ठीक तरह से नहीं आता, आप चीखने की बात करें, कुछ जोरों से जोर से बात करने की कोशिश करें तो वो गले में दर्द होने लगता है, इस तरह का होर्सनेस, पेनफुल लिरिंग्स, ठीक है, लिरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिससे आवाज निकलती है उसमें भी दर्द होने लगता है, तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए, बहुत बढ़िया काम करता है ये दवा। टाइटनेस अक्रॉस द चेस्ट, छाती में एक टाइटनेस फील होना, कड़ापन, स्टिफनेस फील होना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये सब सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा इस दवा में। नेक्स्ट आता है उपिंग कफ, उपिंग कफ जैसे कि काली खांसी या फिर कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, कंटिन्यूसली उप होके आता है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा काम करता है, ड्राई कफ एक तरह का होता है और इचिंग के कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वो कंटिन्यूसली आता रहता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, वहां पर भी बहुत बढ़िया साबित है, जैसे ड्रोसेरा में हमने डिस्कस किया था उपिंग कफ के लिए, ये एक दवा भी बहुत बढ़िया कारगर साबित होगा। ये जनरली अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, नजल जो सीक्रेशंस है, कोरेजा, कोल्ड, इन सारे चीजों के लिए एक जबरदस्त दवा है जस्टिसिया, तो इसका इस्तेमाल करें। कैसे पोटेंसी यूज करना है मैं बता देता हूं, आमतौर पर अगर एडल्ट किसी बड़े इंसान को देना है तो इसका मदर टिंचर इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया काम करता है, फटाफट काम करता है, 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार 5 बार तक आप दे सकते हैं, थोड़े पानी में मिलाकर दीजिएगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। छोटे बच्चों को देना है 10 साल से कम तो आप 10 बूंद दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं, थोड़े पानी में मिलाकर रिपीटेशन दीजिए 4 से 5 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, ऐसे 4 से 5 बार आप दे सकते हैं 3-4 घंटे के गैप में, देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। या आप एटेस्ट्रेज 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं, जैसे ही कंडीशन में सुधार आए फिर उसको दिन में 2 बार कर देना और 5-7 दिन फिर उसको बंद कर देना, पोटेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपको मदर टीचर के बाद 30 में, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, दिन में 2 बार 10-15 दिन तक आप दे सकते हैं, 3-4 बूंद 30 पोटेंसी का, ठीक है, ये डायरेक्टली लीव पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एट स्ट्रेच आप 10-15 दिन दे सकते हैं, फिर रिजल्ट में बहुत बढ़िया आएगा। इसके एसोसिएटेड में आप दूसरा जो भी दवाई है आधे घंटे से 1 घंटे का फर्क करके दीजिए,
बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा इन सारे चीजों से, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए जस्टिसिया की तरह हम आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेंगे विंटर सीजन के रिलेटेड जितने भी बहुत ही जबरदस्त दवाइयां हैं। आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।